गाइस, वेलकम टू येलो चटपटा ब्लॉग्स। तो आज आप लोग को हम ऐसे बिरयानी बना के दिखाऊंगा। तो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैंने अभी काट दिया, अभी हम डालेगा आधा चम्मच नमक। अभी फिर मैं हल्दी डाल रहा हूँ, वो भी आधा चम्मच। ये धनिया पाउडर, वो भी आधा चम्मच। और ये जीरा पाउडर, वो भी आधा चम्मच। मैं चिली पाउडर थोड़ा सा डाल रहा हूँ क्योंकि बच्चा भी खाएगा। ये आधा चम्मच से ज्यादा बिरयानी मसाला। ये है दही, हम इसमें दो चम्मच डालेगा। अब इसको अच्छे से सबको मिलाना है। मिलाते जाओ। अभी इसको हम फ्रिज में 20 मिनट के लिए छोड़ देगा। हम अच्छे से मिला चुका है। अभी हम कुकर को गर्म कर रहे हैं। तो आज हम कुकर में बिरयानी बनाएगा। अभी हम तेल डालेगा। इतना काफी है। सबसे पहले तेज पर दो काफी है। उसके बाद दालचीनी, उसके बाद लौंग, इलायची, उसके बाद सूप थोड़ा डाल रहा है, उसके बाद अनियन, उसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट, इसको अच्छी तरह से घुमा के ब्राउन कलर होने देना है। एक चम्मच देसी घी, गिरने रहा, अब इसको मिलाऊंगी। और उसके बाद हम डाल रहे हैं करी पत्ता। अब मैं टमाटर डालूंगी। अब मैं मीट को डाल दूंगी। अब इसको मैं ढक्कन को कुकर ऐसे बंद नहीं करेगा, बस ऊपर से ऐसे ढक के रखेगा। अभी हम डालेगा नींबू रस एक चम्मच। अभी इसको मैं ढक के रख दूंगी, 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। अभी हम इसमें पानी डालेगा।
जब तक ये पक रहा है तब तक हम चावल रेडी कर लेगा। और ये है इंडिया गेट बासमती चावल, अभी इसको हम धुलाएगा। इसको हम अभी धुला के पानी डाल दिया, उसके बाद 15 मिनट के लिए भिजा के रखेगा। अभी हम चावल को डालेगा। गाइस ये बन गया है, अच्छी तरह से बन गया है।